दोस्तों मंदिर में मथा टेकने के बाद मैं पहुंच गया हूं अभी कुफरी, और कुफरी से मैंने ले लिया ये यार्क। मैं बैठा हूँ यार्क पे और अभी जाऊंगा सीधे लद्दाख, है ना। दोस्तों पठानकोट से 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं एक ऐसे शहर जा रहा हूँ जो हिमाचल में है और बहुत ही प्रसिद्ध है ब्यूटी के लिए और एक टूरिस्ट स्पॉट है। और चंडीगढ़ से सिर्फ और सिर्फ ये 100-120 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज उस शहर की बात कर रहा हूँ जिस जहाँ पर जाने का हर एक का दिल होता है। जी हाँ, ये है शिमला। जी हाँ दोस्तों, आज मैं शिमला बहुत देर बाद आया हूँ और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों। और शिमला आने के लिए आपको सभी को रास्ते पता हैं, बाय रोड आ सकते हो, बाय एयर आ सकते हो, बाय ट्रेन आ सकते हो। तो इसलिए इस चीज़ पर मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अभी आपको ले चलता हूँ शिमला और बताऊँगा कि शिमला में मैंने क्या क्या किया और कैसे इन्जॉय किया। दोस्तों आप भी अगर शिमला आए हो तो आपको यकीनन पता होगा माल रोड का, क्योंकि माल रोड ही सबसे फेमस है शिमला का। और ये एक बेसिकली एक रोड है जहाँ आसपास मार्केट है और दूर दूर से लोग इस जगह पर आते हैं, इस माल रोड पर आते हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा ये शहर है, बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है और मौसम भी यहाँ पर ठंडा हो जाता है। और अभी विंटर्स आएंगी तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होगा यहाँ पर। और दोस्तों शाम को यहाँ पर घूमने का जो मज़ा है, वॉक करने का जो मज़ा है, उसकी तो बात ही अलग है। और बहुत सारे लोग जो चंडीगढ़ के आसपास से हैं उन्हें यकीन शिमला के बारे में पता होगा, शिमला के आगे कुफरी है एंड ऑल। तो दोस्तों बने रही वीडियो के साथ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज से पहले जब भी मैं ब्लॉग शूट करता था तो मैं अकेला होता था, या मेरा कैमरामैन होता था या मेरा कोई दोस्त होता था, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास मेरा परमानेंट साथी, मेरा परमानेंट हमसफ़र आ गया है जो सिर्फ ब्लॉग्स में ही नहीं हर जगह मेरे साथ होगा। जी हाँ, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नाउ आई एम मैरिड एंड शादी हुए मेरा सिर्फ अभी एक हफ्ता हुआ है। और आई एम विद माई वाइफ, यू कैन सी शी इज़ विद मी, से हाय। तो भाई अब ये रहेंगी हमारे साथ हर जगह। और पहले तो हम भाई जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे, पर अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि शिमला में आया हूँ मैं। शिमला में इस समय धूप है, सुबह और शाम की ठंड है और मौसम काफ़ी अच्छा है शिमला का। अब मैंने एक टैक्सी बुक की है, टैक्सी मुझे ले जाएगी कुफरी जाकू टेम्पल। उससे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं अभी जाकू टेम्पल और कुफरी। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ शिमला और मैंने कर ली है एक कैब। ध्रुव भैया जो हमें कल मिले थे मार्केट में, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया और आज उनकी हम कैब में हैं। दोस्तों शिमला बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है जनरली न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। स्पेशली दिल्ली वाले लोग तो यहाँ पर आना पसंद करते ही हैं। गर्मियों में काफ़ी पीक सीज़न जिसे हम कहें, गर्मियों में पीक सीज़न होता है, यहाँ पर बहुत रश होता है, होटल्स नहीं मिलते। शिमला में दोस्तों टूरिस्ट के अलावा हनीमून कपल्स यानी कि न्यूली मैरिड कपल्स भी आते हैं और उन्हीं में से मैं हूँ एक। दोस्तों आप जब भी शिमला पहुँचे सबसे पहले मेक श्योर आओ अपने होटल की बुकिंग कीजिए, आप होटल लीजिए और होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अगर आप शाम को आ रहे हो तो आप मॉल रोड जाइए, वहाँ थोड़ा सा घूमे फिरे, फ़ोटो खिंचवाइए और कुछ ना स्नैक्स वगैरह इंजॉय कीजिए। काफ़ी अच्छी जगह है माल रोड भी, रिज जैसे हम बोलते हैं। और नेक्स्ट डे आप जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने ध्रुव भैया से मिला हूँ, ध्रुव भैया की ये कैब है, और सेकंड डे आप कैब हायर कीजिए। आपको जनरली 1000-1200 के बीच में आपको कैब मिल जाएगी जो आपको पूरा दिन घुमाएगी। दोस्तों अभी मैं जाऊँगा जाकू टेम्पल, हनुमान जी का मंदिर है, इसके बाद मैं जाऊँगा कुफरी। कुफरी के कुछ लोकल साइट सीन हैं वो मैं अभी विज़िट करूँगा अपनी मैडम के साथ। और ये हमारा दोनों का पहला ट्रिप है, हम दोनों पहली बार घर से बाहर निकले हैं, यानी कि ऑब्वियस शादी के बाद पहली बार निकलेंगे घर से, शादी से पहले तो हम कभी कहीं बाहर नहीं गए। दोस्तों आने वाले ब्लॉग्स में भी मेरे साथ मैडम साथ में होंगे और बहुत ही जल्दी हम एक नया ब्लॉग शूट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम हैं शिमला, शिमला की ठंड को एंजॉय कर रहे हैं, हल्की हल्की ठंड है यहाँ पर। दोस्तों ध्रुव जी हमें ले आए हैं जाकू टेम्पल के नीचे और अभी हम जाएंगे जाकू टेम्पल, जो कि 25 सीढ़ियाँ चढ़ के जाकू टेम्पल आएगा। ये है ध्रुव जी और ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हम
और ये है ऊपर मंदिर। एक रास्ता है, अगर आप किसी टैक्सी वाले को हायर करते हैं तो वो आपको कहीं से भी लेके आ सकते हैं, वो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और माल रोड से ही जो चर्च है वहाँ से आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मिल जाएगी, जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस से आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देंगे। और इसी के साथ एंट्रेंस से जाखू मंदिर जाने के लिए भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये मुझे खुद पैदल जाना पड़ रहा है, और इसी के साथ है एक्सीलेटर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो इसलिए मुझे खुद ही पैदल जाना पड़ेगा। तो सांस उतरे गई। और जब भी आप शिमला आएँ तो आप अपने पास कोई लाइट सा वार्मर लेके आएँ, अगर आप विंटर सीजन में नहीं आ रहे तो। अगर आप विंटर सीज़न में आ रहे हो तो आपको ज़्यादा क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी चलते हैं हम जाखू टेम्पल, करते हैं हनुमान जी के दर्शन। दोस्तों, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, और ये जो मूर्ति है ये 108 फीट लंबी हनुमान जी की मूर्ति है। और दोस्तों, जो भी शिमला में आता है वो एक बार तो जाखू टेम्पल ज़रूर जाता है और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी का जो मूर्ति है वो बहुत ही बड़ी है। और दोस्तों, ये है वो हनुमान जी की मूर्ति जो है 108 फिट लंबी, और आप अगर पास से देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी दिखती है। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं बिल्कुल नीचे हूँ और इनका जो पाँव है वो देख सकते हैं कितना बड़ा है, और यहीं पर हम इनको सिर झुकाते हैं। दोस्तों, ये है वो मंदिर जहाँ पर हम आए हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और ये दोस्तों मंदिर बहुत ही पुराना है और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मैं अंदर कैमरा नहीं ले जा सकता। तो दोस्तों, आइए करते हैं हनुमान जी के दर्शन। दर्शन करने के बाद दोस्तों, आज पता लगा यहाँ पर भोजन था, लंगर था, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं और पारुल दोनों चले गए लंगर खाने, क्योंकि यहाँ पर जो लंगर मिलता है वो है हिमाचल का पहाड़ी पहाड़ी धाम, वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों, मंदिर के बाहर है ये पार्क जहाँ पर आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। फ़िलहाल हमें है जल्दी, क्योंकि हमारे पास है टाइम कम, और इसी के साथ मैं और हमारे ड्राइवर ध्रुव भैया पहुँच के सीधे कुफरी, जहाँ पर हमने अपने जो एडवेंचर्स था उसका पैकेज बुक किया हुआ था। दोस्तों, मंदिर में मथा टेकने के बाद मैं पहुंच गया हूं अभी कुफरी, और कुफरी से मैंने ले लिया ये यार्क। मैं बैठा अभी यार्क पे और अभी जाऊंगा सीधे लद्दाख, है ना। लद्दाख जाएंगे अभी हम यार्क पे, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। गाड़ी लेके पहुंच गए हैं कुफरी, और कुफरी में अभी हम वेट कर रहे हैं अपने आगे की गाड़ी का, यानी कि अपनी टैक्सी का, और टैक्सी हमें आगे लेके जाएगी जो व्यू पॉइंट्स हैं, और कुछ हमने जो एडवेंचर गेम्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, उसको भी हम इन्जॉय करने वाले हैं। और फिलहाल गाड़ी भी आ गई है, और ये है याक जिनके ऊपर अभी बैठ के हमने खिंचवाई है फ़ोटो, और मैं और मेरी मिसेज पारुल अभी हम जाएंगे गाड़ी में, और गाड़ी में जाएंगे हम। नहीं भाई नहीं, तू शीला जी भेजने लग पड़ा अब। नहीं भाई नहीं, तो इट्स टाइम टू सिट इन द कार, आओ। तो भाई, हम दोनों बैठ गए हैं अभी गाड़ी में, एंड वी आर गोइंग टू साइट सीन एंड सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी। हमारा ट्रिप काफ़ी, हाँ, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, हाँ, स्पोर्ट्स कह लीजिए या एडवेंचर एक्टिविटी कह लीजिए, बट आई होप सो इट विल बी फन, काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह कुफरी साइट सीन का एंट्री पॉइंट, और यहाँ से हम 6 किलोमीटर करेंगे हॉर्स राइड, उसके बाद जाएंगे अपने मेन डेस्टिनेशन पर। ये देख लो भाई, घोड़े 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 घोड़े। देखो, आज फिर मैं बैठा हूँ घोड़े पे, पहली बार घोड़े पे बैठा था, तो पीछे आ रहे हैं उनको लेने के लिए बैठा था, आज हम दोनों बैठे हैं घोड़े पे, है ना। दोस्तों, ये पॉइंट पर आपको
पर्ची कटवानी पड़ेगी 50 रुपीज़ पर हेड। ये देख रहे हो आप जो बैरियर लगा हुआ है, ये फॉरेस्ट सैनिटेशन की पर्ची कटती है 50 रुपीज़ पर हेड। हम लोग दो थे तो हमने दिए 100 रुपीज़। आगे चलते हैं, बस आई थिंक यही फीस है। और दोस्तों इस एडवेंचर टूर के लिए दो टाइप के पैकेज हैं। एक पैकेज है 1000 रुपये का, जिसमें सिर्फ साइट सीन रहेंगे, हॉर्स राइडिंग इंक्लूड रहेगी। और एक पैकेज है 1500 रुपये पर हेड, जिसमें साइट सीन के अलावा 6 जो है एडवेंचर एक्टिविटी भी रहेगी। तो मैं और मेरी मैडम ने जो पैकेज लिया है वो है एडवेंचर एक्टिविटी का। पहले एडवेंचर तो हमारा हो ही रहा है, मेरा तो खैर नहीं हुआ, मैडम का तो पहला एडवेंचर हो रहा है, दैट इज़ हाउस राइडिंग। मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाइफ को आईफोन गिफ्ट करने का फ़ायदा, क्योंकि मेरा जो आईफोन की स्टोरेज थी वो फुल हो गई है और पारुल के आईफोन की स्टोरेज अभी खाली है, यानी कि बिल्कुल यूज़ नहीं हुई। तो मैंने फ़ोन एक्सचेंज कर लिया है, अब इसके बाद जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो मैडम के फ़ोन से रिकॉर्डिंग होगी। व्यू बहुत अच्छा है यार दोस्तों, मज़ा आ रहा है यार। सारा व्यूज देख सकते हो आप, ये सारा व्यू है फॉरेस्ट का, सारा फॉरेस्ट का ही सिंगल एक रास्ता है, 3 किलोमीटर की ये राइड है। और ये हमारा घोड़ा, और ये पीछे है मैडम जी। तो दोस्तों घोड़े ने हमें यहाँ उतार दिया है और अब हम यहाँ से चलते हुए जाएंगे आगे एडवेंचर्स एक्टिविटी के लिए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोस्तों यहाँ पर आपको शूटिंग करने को मिल जाएगा। ये है याक, और याक के अलावा ये है आपको खरगोश। भैया कौन सा खरगोश है ये, कौन सा खरगोश है ये? बहुत सॉफ्ट है यार ये, वो सॉफ्ट है नहीं। काफ़ी कुछ आपको देखने को दोस्तों यहाँ मिल जाएगा। भुट्टा, भुट्टा तो नहीं कहते हिमाचल में, क्या बोलते हैं हिमाचल में, मक्की कहते हैं। हाँ नहीं बेटे, दोस्तों यहाँ पर आपको शूटिंग के अलावा बो एंड एरो करने को भी मिल जाएगी। और यहाँ से लगभग मुझे 150 मीटर पैदल चलना है, और आसपास सारे आप शॉप्स देख सकते हो। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो, आप चाय वगैरह पी सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, और विंटर्स के लिए कुछ वुलन क्लोथ ले सकते हो। बाकी यहाँ पर शॉप्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अट्रैक्टिव शॉप्स हैं यहाँ पर, तो जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा ये शॉप्स लगाई जाती हैं, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस भी है दोस्तों इनका। डस्ट बटा यहाँ पे भी होगी। दोस्तों अब हम बैठे हैं एक 4x4 जिप्सी में, और जो हमें 300 मीटर और नीचे लेके जाएगा जहाँ पर हमारे एडवेंचर्स एक्टिविटी हैं। तो यहाँ पर ATV भी चलती हैं, ATV बाइक जो 500 रुपीज़ लेती हैं अप एंड डाउन का, और मैं जिस जिप्सी में बैठा हूँ ये ले रही हैं 400 अप एंड डाउन का। तो हमने सोचा कि 400 ही दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम दोनों इकट्ठे बांध दिए है, माय गॉड, ये तो हमें मुझे पहले ही बांधा था इन्होंने, तो भी 7 चक्कर लगे थे। ऐसे नहीं ये देखो तो ओया पैर ऊपर। हम आए वहां से, ठीक है। How you feel now? है मजा आया? ठीक है, हाँ यहाँ दोबारा करेंगे। दोस्तों हम दोनों की अभी जिप लाइन, और मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम था जो मैंने जिप लाइन किया, वो भी पारुल के साथ। पारुल काफ़ी डर रही थी स्टार्टिंग में, बट मैंने टाइम दिया नहीं सोचने का कि ये ज़्यादा सोचे और ज़्यादा दिमाग लगाए। उससे पहले मैंने उसे बिठाया फटाफट, सोचने का मौका नहीं दिया, और भैया को बोल दिया जाने को। नो डाउट पारुल को उसमें बहुत मज़ा आया। पारुल
बताइए कैसा, कितना मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया। पहले किया कभी? नहीं, नहीं ना किया कभी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। ये दोस्तों लैडर क्लाइंबिंग, और भैया जी अभी हमें कर रहे हैं प्रेयर। दोस्तों कुफरी में मस्ती करने के बाद मैं और पारुल आ गए हैं शिमला, और शिमला में अब हम हैं मॉल रोड पर। यहाँ थोड़ा घूमेंगे और डिनर करके वापस अपने होटल में जाएंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।